हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूड वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गेहूं के आटा यानी व्हीट फ्लोर के लिक्विड डो से पराठा बनाने जा रही हूँ। नॉर्मली हम आटा के पराठा आटा को गूंथ कर बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए आटा का डो बनाना पड़ता है जिसमें बहुत टाइम भी लगता है, हाथ भी गंदा हो जाता है और आटा को गूंथ कर डो बनाने में झंझट भी रहता है। पराठा बनाने में आलस भी बहुत आता है। तो आज बिना आटा गूंथे बिना आटा के डो तैयार किए मैं गेहूँ के आटा यानी व्हीट फ्लोर के लिक्विड घोल से पराठा बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। यह पराठा मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत सॉफ्ट रहता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो चलिए आज हम लिक्विड डो से पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं का आटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे। आप चाहे तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और कुछ कटे हुए धनिया पत्ती डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब हम इसमें पानी डालकर घोल बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे, नहीं तो घोल में लम्स आ जाएंगे। और पानी एक ही बार नहीं डालना है, अपने आटा के हिसाब से पानी डालना है। घोल ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो हमारे पराठे अच्छे नहीं बन पाएंगे। और हम इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो घी की जगह पर बटर या तेल भी डाल सकते हैं और घी डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आटा का घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। घोल का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से गिरना चाहिए, मतलब घोल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अब हमारा आटा का घोल बनकर तैयार हो गया है और अब हम चलते हैं इसका पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो पराठा बनाने के लिए हम एक नॉन स्टिक तवा को गैस पर हल्का गर्म कर लेंगे और अब हम बिना तेल या घी लगाए इसमें घोल को डाल देंगे और चारों तरफ से फैलाकर बराबर कर लेंगे और गैस को लो टू मीडियम रखेंगे। और फिर इसे 1 मिनट के बाद पलट लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हमारा पराठा फूलने लगा है और हम इसे दूसरे साइड से भी पलट लेंगे और इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और ये हमारा पराठा दूसरे साइड से भी थोड़ा ब्राउन हो गया है और हम इसमें घी डालेंगे और घी लगाकर दोनों साइड से पका लेंगे और हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसे तवा से निकाल लेंगे और ये हमारा लिक्विड डो का गार्लिक पराठा बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सॉस या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट अमेजिंग लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए और खाकर हमें बताइए कि आपको हमारी लिक्विड डो की पराठा की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फिर मैं और नई रेसिपी मिलती है, तब तक के लिए बाय।